मेरठ आके बहुत ही खुशी मिल रही है। लगभग 5 साढ़े 5 से आप सब इधर आके एकत्रित हुए हैं, और देखते ही देखते ये पूरा पंडाल भी छोटा पड़ गया। आप सबने बहुत उत्साह से सत्संग में आकर बहुत ही हाजिरी में आए। इसका यही प्रमाण होता है कि आप सब कोई 4 घंटे का भी रास्ता करके आए हैं, 5 घंटे का भी, उससे भी शायद ज्यादा। तो यही इससे पता लग रहा है कि जब जिसको अगर सत्संग करनी है उसके लिए कोई बहाना नहीं होता। वो सत्संग के लिए बाकी अपने सारे काम को सेकेंडरी मान के और प्रायोरिटी सत्संग को देखकर ही अपनी सुविधा ना देखते हुए, जैसे भी पता लगता है कि इकट्ठा होना है सत्संग रूप में, तो सब काम छोड़ के पहले प्राथमिकता सत्संग को देखते हुए आ जाते हैं। आज इधर आप सब जो कोई नए पहली बार सत्संग रूप में आए हैं, तो दासी आप सबसे यही निवेदन करना चाहती है कि इस निरंकारी मिशन में हमको परमात्मा की जानकारी का ज्ञान होता है, और परमात्मा से किस तरह हम रूबरू हो सकते हैं और अंगसंग मान जान के मान सकते हैं। और जिस तरह एक दासी उदाहरण देगी कि एक अलमारी होती है, और अगर उसकी चाबी से उसको लॉक कराओ, फिर अगर चाबी हाथ में भी है और हम जोर लगा के उस अलमारी का दरवाजा अपनी ओर खींचेंगे तो भी वो दरवाजा नहीं खुलेगा, क्योंकि वो एक चाबी से लॉक है। उसी को सिंबॉलिकली देखा जाए तो वो चाबी अगर ज्ञान है, अगर हम उस ज्ञान का इस्तेमाल करें तो ऐसा कोई भी दरवाजा नहीं है जो वो चाबी नहीं खोल सकेगी। और अगर वो ज्ञान हमारे हाथ में होते हुए भी हम उसको अपनी मुट्ठी में ही बंद रखेंगे और चाबी से और बिना लॉक खोले दरवाजा खोलना चाहेंगे तो वो नहीं खुल सकेगा। तो इसलिए जब हमारे पास ज्ञान है भी तो भी उसका हम हर पल इस्तेमाल करें, तभी वो एक ऐसा धन रहेगा जो हम जितना खर्च करेंगे उतना ही बढ़ेगा। दासी ये अरदास और भी रखना चाहती है कि जिस तरह आप सबने इतनी मर्यादा पूर्वक इस तरह संगत का माहौल बहुत ही शांत और एकदम आनंदित रूप में बैठ के मर्यादा पूर्वक आप बैठे हैं, तो दासी आप सबको यही सीख रही है आप सबसे कि जिस तरह अपनी उम्र, चाहे कोई बच्चा हो चाहे बुजुर्ग चाहे जवान, तो इससे यही पता लग रहा है कि जीवन भर एक स्टूडेंट बनकर एक शिक्षा प्राप्त करने की इरादे से हम अपना माइंड ओपन रखते हुए जब संगत में आते हैं तो उस तरह हमसे निरंकार का पल पल एहसास करते हुए हम अपने जीवन को आगे चला सकते हैं ठीक तरह से। दासी अंत में यही अरदास करना चाहती है कि आप सब पे निरंकार बहुत कृपा करे, बहुत बख्शिश करे कि पल पल शुक्राना भी सबकी झोली में भरे, और जो भी किसी के काम पूर्ण नहीं है वो निरंकार राजी खुशी पूरा करे। साथ संगत जी प्यार से कहना।